इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्दी कोलैप्स होने वाला है। 9th मार्च 2016 को इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह ओपनली एक्सेप्ट किया। जी न्यूज में पब्लिश्ड एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में बस गेस करो कितने परसेंटेज सर्जरीज फेक की जाती होगी। वेल, अ फ्रीकिंग 44% सर्जरीज फेक की जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी सर्जरीज कंप्लीटली अनवांटेड होती है, सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से की जा रही है। इसी रिपोर्ट ने इन सर्जरीज को बाइफर्केट करके भी बताया था कि कौन सी सर्जरियां हैं। इंडिया में होने वाले 55% हार्ट सर्जरीज, 48% यूटरस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 45% सी सेक्शन सर्जरीज कंप्लीटली अननेसेसरीली हो रहे हैं, सिर्फ पैसे ऐंठने के मकसद से। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स को भी कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह टारगेट और प्रॉफिट सेंट्रिक बना देना। एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जिसमें रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल्स के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स को तक इंटरव्यू किया ताकि वो इन हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। And the results were shocking. So, सबसे पहले तो salaries की बात करते हैं। So, research में participate किए respondents का ये कहना था कि hospitals में काम कर रहे doctors की salaries में बहुत huge difference होता है। इतना ज्यादा कि newbie doctors को 1 लाख per month की salary मिलती है, लेकिन senior doctors को 1 करोड़ per month तक भी ये salary पहुंच जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इतना बड़ा difference क्यों? क्योंकि डिफरेंस इनके टारगेट्स में भी होता है। एक सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ये कहना है कि उन्हें एवरी मंथ 1000 पेशेंट्स को कैसे भी करके हाई एंड ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी पर एक और गायनाक रिस्पोंडेंट का कहना ये था कि मंथ एंड में टारगेट्स का प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसके लिए उन्हें कैसे भी करके आउट पेशेंट्स यानी कि ओपीडी पेशेंट्स को भी बिना मतलब के हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है, और नतीजा ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज रेकमेंड करके टारगेट्स मीट किए जाते हैं, क्योंकि टारगेट ही यहां पर 1000 पेशेंट है। अब आप खुद ही सोचो, हर हॉस्पिटल में, हर डिपार्टमेंट, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी में ही ले लो, उसमें मिनिमम 5 से 6 डॉक्टर्स होते हैं और सबको सिमिलर टारगेट्स दिए जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन हॉस्पिटल्स प्रॉफिट एंड आर लॉस। एंड बाय द वे, दीज टारगेट्स आर टेकन वेरी सीरियसली। उसी रिसर्च में कई सारे सीनियर डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर कोई डॉक्टर अपने टारगेट्स को लगातार 2 महीनों तक मिस करता है तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा ही उसको वर्बल वार्निंग मिल जाएगी या फिर एक मेमो दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर टारगेट्स मीट नहीं होते तो ऑफ कोर्स टाटा बाय बाय। So, आप यहां पर देख सकते हो हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैसे एक सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें कस्टमर पेशेंट टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, बट यहां पे प्रॉफिट टॉप प्रायोरिटी हो जा रहा है। और बाय द वे, इन टारगेट्स का ट्रैक भी हॉस्पिटल हायर्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स यानी कि MBAs, जो कि बड़े बड़े MNCs में ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स ऐसे काम करते हैं, ये लोग बकायदा डॉक्टर्स के इन टारगेट्स का ट्रैक रखते हैं। एंड ऑफकोर्स यहां पर डॉक्टर्स भी उतने ही डेडिकेशन के साथ ये टारगेट्स को पूरा करते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा उनकी सैलरी बहुत ही हाई होती है, लेकिन उनका ये हाई पेइंग जॉब मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होता है। एंड सो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के लिए और उनका न्यू पे स्केल डिसाइड करने के लिए उनके पिछले साल के टारगेट्स को देखा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली इन डॉक्टर्स को फोर्स कर देता है इलीगल स्कैम्स तक करने के लिए। नाउ मेडिकल फील्ड के इलीगल प्रैक्टिसेस को थरली समझने के लिए हमने ये सारा इन्फॉर्मेशन 2 काफी प्रोमिनेंट डॉक्टर से लिया है। पहला है पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर BM हेगड़े, जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का रेफरेंस है। और दूसरा रेफरेंस हमने लिया है एक बुक से कॉल्ड डिसेंटिंग डायग्नोसिस बाय डॉक्टर अरुण गाडरे एंड डॉक्टर अभय शुक्ला। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी हमें ये बुक ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिली, लेकिन हमें बिजनेस इनसाइडर का एक आर्टिकल मिल गया जिसमें उस बुक के कुछ मेन एक्सर्प्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैंप, जो इतना घिनौना है कि इंसानियत भी काइंड ऑफ शर्मा जाए। कीपिंग डेड पेशेंट्स अलाइव। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसे कई सारे केसेस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें डॉक्टर्स डेड पेशेंट्स को भी जिंदा बताकर उनके ट्रीटमेंट्स चालू रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जा सके, और फिर अंत में जाकर सच्चाई पब्लिक करते हैं। TOI में ही पब्लिश्ड एक केस में एक हॉस्पिटल ने पेरेंट्स को बिना बताए उनके 14 साल के ब्रेन डेड बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा। So, 1 महीने तक जो बच्चा मर चुका था उसे जिंदा बताया गया और वेंटिलेटर पर रखा, खर्चा जनरेट किया एंड बाद में हॉस्पिटल गिल्टी प्रूव भी हुआ एंड उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन के लिए दिए। अब 5 लाख रुपए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन तो हॉस्पिटल को देने पड़े, बट ये आप और मैं भी जानते हैं कि उस वक्त पेरेंट्स ने जब ये बात सुनी होगी, जब ये सच्चाई उन्हें पता चली होगी, तो उन पर
क्या बीती होगी। अब ये वेंटिलेटर स्कैम्स के अलावा डॉक्टर हेगड़े के आर्टिकल के अनुसार कई बार डॉक्टर्स डेड पेशेंट पर इमरजेंसी सर्जरीज करने का भी बहाना बनाते हैं, जिसके लिए फैमिली से अर्जेंटली पैसे जमा करवाया जाता है और फिर लास्ट में पेशेंट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी दिखाकर मैटर को क्लोज कर दिया जाता है। मतलब पेशेंट पहले ही डेड हो चुका था, लेकिन सर्जरी के बहाने से पैसे ले लिए गए, फिर बाद